नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। राहुल की यात्रा का 103वां दिन, अलवर में एंट्री। महिलाओं बच्चों से मिले राहुल। राजस्थान में आज पहली बड़ी सभा। गुरदासपुर में फिर घुसा पाकिस्तानी ड्रोन। रात को दो बार हुआ दाखिल। बीएसएफ ने 98 राउंड फायरिंग कर वापस भेजा। सीएम सुखविंदर सुक्खू कोरोना पॉजिटिव। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले कराया टेस्ट। अब प्रधानमंत्री से मुलाकात कैंसिल। घने जंगल में पहाड़ पर नाबालिग का तप। बोली, मेरे माता पिता विष्णु और लक्ष्मी हैं, मैं उन्हीं की भक्ति में लीन होने आई हूं। आतंक पर मोदी सरकार के वार से बिलबिला रहे कुछ देश। अनुराग ठाकुर का पाकिस्तान पर निशाना। G20 के मंच पर जम्मू कश्मीर की संस्कृति को प्रदर्शित करने का मौका। बोले LG मनोज सिन्हा। असम के नागांव में 980 बीघा सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर। गिराए गए अवैध कब्जे। कोलकाता से लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा को दिया चैलेंज। बोले, एक नहीं 10 मुकदमा कर लें। जेएम के पूर्व विधायक सुफल भाजपा में शामिल। कहा, पीएम मोदी लिख रहे विकास की नई गाथा। नासिक को एक्सपोर्ट इंपोर्ट हब बनाएगी कई सड़क परियोजनाएं। बोले नितिन गडकरी। अमेरिका और चीन की नकल से नहीं होगा विकास। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, भारत को खुद का मॉडल अपनाने की जरूरत। लोकायुक्त के दायरे में आएंगे महाराष्ट्र के सीएम मंत्री। शिंदे सरकार ने अन्ना हजारे की मांग को मंजूरी दी। जयराम रमेश बोले, पीएम लोगों से क्या छुपा रहे हैं, वे चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। केजरीवाल का बड़ा बयान। बोले, हमें भगवान ने देश सुधारने के लिए भेजा। मेरा विजन पार्टी नहीं, देश है। तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा झटका। पीसीसी के 12 सदस्यों ने दिया इस्तीफा। स्थानीय नेताओं को दरकिनार करने का लगा आरोप। गाजियाबाद में बीजेपी नेता के लेटर से सियासी हड़कंप। एमएलसी दिनेश गोयल बोले, पूर्व जनरल के खिलाफ सांसद और 4 विधायक रच रहे साजिश। बेटों ने मां के साथ लिव इन पार्टनर को मारी गोली। बरेली में 42 साल की महिला का 22 साल के युवक से था अफेयर। कैफे संचालक को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल। सिगरेट पीने से मना किया तो हॉस्टल के छात्रों ने पीटा।
लोहिया संस्थान बनेगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कहा पीजीआई और केजीएमयू की तर्ज पर लीवर प्रत्यारोपण की जल्द होगी शुरुआत। बसपा के सिंबल पर अपना प्रचार ना करें, जनेश्वर प्रसाद ने कहा कोई टिकट फाइनल नहीं किया, कार्यकर्ताओं की धड़कनें हुई तेज। गाजियाबाद से गायब तीन छात्र ब्रजघाट में मिले, घूमने के लिए घर से निकले थे। आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गिरफ्तार, 22 सितंबर की रात पुलिस टीम पर हमला करने का आरोप। गाजियाबाद में गोली मारकर प्लंबर को लूटा, एयरपोर्ट पर पुलिस चौकी से चंद कदम दूर हुई वारदात। एफसीआई में जॉब के लिए 1,75,00,000 ठगे, 22 लोगों को जाली ऑफर लेटर तक जारी किए। कानपुर में एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस पलटी, आजमगढ़ से दिल्ली जाते समय हुआ हादसा। मेरठ में सुबह पुलिस से गो तस्करों की मुठभेड़, 3 गो तस्कर गिरफ्तार, 7 मौके से हुए फरार। उन्नाव में योग केंद्र में हुई संगोष्ठी, निरोग रहने के योगाचार्य ने दिए टिप्स, कहा सर्दियों में करना चाहिए योग। मैनपुरी में पुलिया से टकराकर पलटा ट्रैक्टर, 2 किसानों की ट्रॉली के नीचे दबकर मौत, घने कोहरे के कारण हुआ हादसा। ईस्टर्न फेरी फेल और एक्सप्रेस वे पर कोहरे की वजह से हादसा, ग्रेटर नोएडा में कोहरे में आपस में लड़ी 2 गाड़ियां। कौशाम्बी में सड़क पर किशोरी का युवक ने पकड़ा हाथ, विरोध करने पर थप्पड़ और लात मारे। एयरपोर्ट के पास महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, कभी गाड़ियों के आगे किया डांस तो कभी मारे डंडे बोनट पर बैठकर। मेरठ में भी सड़क में युवक पर बरसाई गोलियां, कपड़ा शोरूम में छिपकर बचाई जान। पुलिस बर्बरता का शिकार हुए मृतक की पत्नी बोली, सांसद है तो मुझे न्याय मिलेगा, शासन व सरकार पर पूरा भरोसा। उन्नाव में पति समेत 6 पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा, शादी के कुछ महीने बाद और दहेज की मांग को लेकर करने लगे मारपीट। हाई कोर्ट ग्रुप सी की परीक्षा के 3 सॉल्वर गिरफ्तार, मेरठ एसटीएफ की टीम ने आगरा से पकड़ा, बोले 3,00,000 में लिया था ठेका। बिजनौर में पूर्व प्रधान के पिता की गोली मारकर हत्या, रात में खेतों में पानी देने गए थे, सुबह मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। अमरोहा में हाईवे पर गन्ना नदे ट्रक में घुसी रोडवेज, 9 यात्री घायल, आनंद विहार से मुरादाबाद जा रही थी बस, घायल सीएससी में भर्ती। बागपत में चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, 3 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामद।
पीलीभीत में छात्रवृत्ति घोटाला, 10 घोटालेबाज स्कूल प्रबंधकों व प्रधानाचार्य पर FIR, अपात्रों के नाम दर्शा कर निकाली छात्रवृत्ति। प्रयागराज में साइबर जालसाजी, अस्पताल में बेड दिलाने के नाम पर 1 लाख ठगे, जॉब कार्रवाई फिर बैंक खाते से 2.5 लाख निकाल लिए। कानपुर में महिला और बच्चों को बंधक बनाकर लूट के मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात, कई थानों का फोर्स मौके पर मौजूद। अलीगढ़ में करनी सेना की यूपी के थिएटर मालिकों को चेतावनी, कहा चलाई पठान फिल्म तो सिनेमा घर में आग लगा दी जाएगी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़, मुठभेड़ में इनामी बदमाश घायल, गैंगस्टर में वांछित चल रहा था आरोपी बदमाश। रायबरेली में डलमऊ उप जिलाधिकारी आसाराम वर्मा ने गरीबों में वितरण किए कंबल, जरूरी व्यवस्था करने के लिए कर्मचारियों को दिए निर्देश। गाजियाबाद में चोरों ने भगवान के घर में की चोरी, अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी के मंदिर में की चोरी, चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। बर्फबारी ना होने के बावजूद उत्तराखंड की हरसिल घाटी में व्हाइट कर्फ्यू, जीना दुश्वार। ऋषिकेश के 5 वर्षीय प्रतीक चुटकियों ने हल कर लेते हैं जटिल सवाल, इनका ज्ञान कर रहा सबको हैरान। उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों के कंधे पर अब नहीं दिखेगा एक सितारा, हेड कांस्टेबल लगा सकेंगे 2 स्टार। UKSSSC के चयनित अभ्यर्थी भरेंगे हुंकार, परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर करेंगे सीएम आवास कूच। उत्तराखंड में 25 दिसंबर को हारे बूथों पर मन की बात सुनेंगे मंत्री, विधायक व भाजपा पदाधिकारी। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने नेताओं को सुनाई खरी खरी, का आपसी झगड़े से पार्टी का नुकसान बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, बोले कोई अल्पसंख्यक हो ना हो, बहुसंख्यक एक हो सबकी दीवार। उत्तराखंड में नशे में संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था पति, विरोध कर रही पत्नी ने हाथों से गला दबाकर उतारा मौत की घाट। उत्तराखंड के हरिद्वार में पिटाई के डर से पेड़ पर चढ़ गया शराबी, कई घंटे तक पुलिस व दमकल को छकाया। उत्तराखंड के कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज में बवाल, टिकट ना मिलने पर फूट फूट कर रोई रसीम लम गड़िया। उत्तराखंड में 27 दिसंबर के बाद बदलेगा मौसम का मिजाज, नए साल पर बारिश और बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड के रायपुर और हल्द्वानी कॉलेज में सबसे पहले शुरू होगी जियो फेंसिंग, हाजिरी आदेश जारी। उत्तराखंड में प्रियंका गांधी करेंगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत, 26 जनवरी से शुरू होगी यात्रा।
उत्तराखंड में भाजपा के मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारियों का ऐलान, सूची जारी, नए व अनुभवी चेहरों को मिली जगह। उत्तराखंड में रूई गद्दों के प्लांट में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगी आग, बुझाने में मालिक के हाथ झुलसे। कनाडा के टोरंटो में खुलेआम फायरिंग, संदिग्ध शूटर समेत 5 की मौत, 1 घायल, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जांच करेगी। अमेरिका में एयर टर्बुलेंस से 36 लोग घायल, 11 की हालत गंभीर, फिनिक्स में होनोलुलु जा रही थी फ्लाइट। थाई नेवी का वॉरशिप समंदर में डूबा, 78 नाविकों को बचाया गया, 28 अभी भी पानी में। पश्चिमी पाकिस्तान में तालिबानी आतंकियों ने कई लोगों को बनाया बंधक, 1 पुलिसकर्मी की मौत, कई घायल। एक और खतरनाक मकसद में कामयाब हुआ उत्तर कोरिया, जासूसी सैटेलाइट के अंतिम चरण का किया परीक्षण। चीन ने एक तिहाई तिब्बतियों का डीएनए किया इकट्ठा, 15 देशों के सांसद विधायकों ने किया विरोध, चीन की मददगार कंपनियों से व्यापार बंद करने की मांग। मोदी भाजपा और आरएसएस से नहीं डरता, पाक विदेश मंत्री बोले, भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा, पीएम को कहा था कसाई। जापान ने दोगुना किया रक्षा खर्च, अमेरिका पर निर्भरता घटाएगा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान की सबसे बड़ी तैयारी, चीन से निपटना है मकसद। नेपाल में नई सरकार के लिए 1 हफ्ते का समय, देउवा के पास सबसे ज्यादा सीटें, पूर्व पीएम प्रचंड बोले, मेरे पास सरकार की चाबी। अर्जेंटीना से हार के बाद फ्रांस में दंगे, कई शहरों में हजारों फैंस से हिंसक हुए, गाड़ियां तोड़ी। गूगल फॉर इंडिया का 8वां एडिशन, सुंदर पिचाई और अश्विनी वैष्णव में बातचीत होगी, फिक्सल फोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सकती है। एलन मस्क का नया पोल, यूजर से पूछा क्या ट्विटर हेड का पद छोड़ देना चाहिए। इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति का बयान, बोले भारत की वास्तविकता भ्रष्टाचार और गंदी सड़कें, युवा इसे बदले। वित्त मंत्री सीतारमण का बयान, व्यापार सुगमता को बढ़ाने पर सरकार का जोर, दिवालिया कानून में संशोधन की तैयारी। देश का पहला सियोरिटी ब्रांड बीमा प्रोडक्ट लॉन्च, बुनियादी क्षेत्र के लोगों को मिलेगा फायदा। अश्नीर ग्रोवर ने रजनीश कुमार पर किया वार, बोले एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार की हायरिंग को बताया सबसे बड़ी गलती। विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार पर जताया भरोसा, दिसंबर में अब तक करोड़ों का निवेश। डेट फंड सदाबहार निवेश का विकल्प, 9.3% का सालाना रिटर्न मिला है पिछले 10 साल में।
शादी का सीजन खत्म होते ही सोने की कीमत में आई गिरावट। सोने की कीमत 46 रुपए घटकर 54,061 रुपए प्रति 10 ग्राम। फीफा फाइनल में दो दिग्गज कंपनियां भी भिड़ी। फ्रांस के प्लेयर्स नाइक और अर्जेंटीना के एडिडास की जर्सी में। वर्ल्ड कप जीत के बाद मेसी बोले, कहा मैं चाहता हूं चैंपियन की तरह अर्जेंटीना से खेलता रहूं। मेसी का ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोल्डन बॉल का खिताब दो बार जीतने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी बने। हैट्रिक हीरो किलियन एम्बापे ने रचा इतिहास। फाइनल में की क्रिकेट जियोफ हर्ट्स के रिकॉर्ड की बराबरी। भारत की जीत से WTC में बड़ा बदलाव। ऑस्ट्रेलिया से हार कर द अफ्रीकी टीम तीसरे स्थान पर लुढ़की। विराट कोहली की बगल की सीट पर बैठे नजर आए तस्कीन अहमद, सपना हुआ पूरा। छत्तीस साल बाद अर्जेंटीना वर्ल्ड चैंपियन, फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट में हराया। वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना को मिले 378 करोड़ रुपए, 32 टीमों में बटे 1346 करोड़। केरल में मेसी के फैन का अनोखा अंदाज, समुद्र में 100 फीट नीचे स्टार प्लेयर का कट आउट लगाया। कराची टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड 354 पर ऑल आउट, दोनों टीमों के कप्तान हुए रन आउट। एम्बापे ने 8 गोल कर जीता गोल्डन बूट, रोनाल्डो के रिकॉर्ड की बराबरी की। फीफा वर्ल्ड 2022 में दिखी नोरा की दमदार परफॉर्मेंस, वीडियो देखे यूजर्स बोले इवेंट की जान थी नोरा। अवतार 2 देखने थिएटर पहुंचे अक्षय कुमार, बेटी नितारा भी आई नजर। बेटी को लेकर काफी प्रोटेक्टिव दिखे खिलाड़ी कुमार। दीपिका पादुकोण ने किया फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी, दीपिका पादुकोण लॉन्च करने वाली पहली भारतीय बनी। अर्जुन कपूर के साथ डेट पर निकली मलाइका अरोड़ा, कैजुअल लुक में हुए स्पॉट। फिर एक्स बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ दिखी जानवी कपूर, यूजर्स ने लगाया रिलेशनशिप के कयास। रणबीर के गाने करंट लगा पर लगे चोरी के आरोप, अल्लू अर्जुन के गाने ब्लॉकबस्टर से कॉपी किया है गाना, सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक। उर्मिला मातोंडकर ने पहना छत्तीसगढ़िया गमछा, छत्तीसगढ़ आने का मिला न्योता। साल बाद मिसेज वर्ल्ड का ताज, भारत को 63 देशों को पछाड़कर जम्मू कश्मीर की सरगम कौशल बनी विजेता।
एक्टर आशीष विद्यार्थी पहुंचे रायपुर, बॉलीवुड एक्टर ने नवा रायपुर में लिया ऑमलेट का मजा। बॉयफ्रेंड रॉकी संग ब्रेकअप पर हिना खान ने तोड़ी चुप्पी, बोली मेरी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। प्राइम शतक में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।